गुड मॉर्निंग, राम राम, सीताराम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी दो सुबह के 8 बजने वाले हैं। मैंने आज तो बहुत ही जल्दी जल्दी वीडियो स्टार्ट कर दिया है। तो अभी पीछे देख सकते हैं, हमारा घर है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो अभी मम्मी गाय का दूध निकाल रहे हैं, तो हमारी गोपी का मिल्किंग हो रहा है, तो वो भी आज दिखा देता हूँ। तो चलिए आगे जाके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, यहाँ पर हमारी गोपी का मिल्किंग हो रहा है यहाँ पर। चलिए अब आगे जाते और सभी बछड़ियाँ दिखा देता हूँ आज आपको। तो वैसे अभी तक हमने वो 3 बछड़ी का नाम भी नहीं रखा है, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर सभी खड़े हैं आज तो हमारी गौरी और सभी यहाँ पर के ये टीलू भी है यहाँ पर, बदमाश टीलू हमारी। तो चलिए दोस्तों अब जाते हैं आगे। जो हमने कल मक्का लगाया था और जो गन्ने लगाए थे उसमें अभी पानी स्टार्ट किया है। तो जो छोटी नानी मोटर है, जो बोर की है, वो मोटर का पानी स्टार्ट किया है अभी गन्ने में। तो उसका भी थोड़ा सा आपको वीडियो दिखा देता हूँ। तो अभी पीने ही वाला होगा शायद, वो केरा भर गया है तो वो भी आज आपको दिखा दूँ। और गन्ना लगाया था उसमें अब पानी स्टार्ट करना है, तो वो पानी स्टार्ट कर देता हूँ अभी। तो देखिए यहाँ पर, तो जो इसमें हमने मक्का कल लगाया था तो उसका वीडियो तो मैंने नहीं बनाया था, पर अभी वीडियो दिखा देता हूँ। तो इसमें पानी जा रहा है, तो अब ये गन्ना बाकी है पिंडाने में, तो वो पानी यहाँ से खोल देता हूँ और डायरेक्ट पानी यहाँ पर जाने दूंगा। कि या शायद दोस्तों यहाँ से तोड़ देता हूँ ताकि इस तरफ चला जाए पानी। तो चलिए इसको तोड़ देते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर फोड़ दूंगा तो इस तरफ चला जाएगा गन्ने में। देख सकते हैं अब पानी जा रहा है, जो हमने कल गन्ना लगाया था तो उसमें अभी पानी जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये जो पीस दूसरी बार हुए हैं वो ये गन्ने भी बहुत ही अच्छे हैं। जो दूसरी बार हुए, जो पहले लगाए थे वो तो हमने सारे काट लिए, जो दूसरी निकल आए हैं वो बहुत ही अच्छे से हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर, तो हमने गेहूँ में पानी भी पिला दिया था कल रात को, तो उसका तो वीडियो नहीं बनाया है मैंने। तो अभी ऐसा मौसम है। तो दोस्तों अभी आपने देखा वीडियो आगे में कि गन्ने में पानी जा रहा है। और दोस्तों कल से फिर से बारिश की संभावनाएं दी गई है, तो कल से बारिश की चेतावनी दी गई है फिर से। अगर बारिश है तो और भी ज़्यादा नुकसान होगा। तो पिछले जो 6-7 दिन पहले जो बारिश आई थी, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी, उसमें हमारी तुवेर में थोड़ा सा नुकसान हो गया था। तो उसमें जो छोटी छोटी सिंगे आई थी वो सारी नीचे गिर गई थी छोर से। तो जब बारिश आती है तो हमारा नुकसान ही होता है। तो इस बार जो बारिश आएगी तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो अगर बारिश ना ही आए तो अच्छा है। तो आप भगवान से प्रार्थना करें कि अब बारिश ना आए। अगर बारिश आई तो हम किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी, तो इसीलिए आप प्रार्थना कीजिए कि बारिश ना आए अब। तो चलिए दोस्तों, अब फिर बाद में मिलता हूँ, तो कुछ और नया होगा तो आपको दिखाऊंगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे।